न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करनी है और मजेदार से करनी है वन डिश पार्टी के साथ। मेरी किचन में रौनक आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हस्बैंड से काम करवा दी, रौनक आ गई तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया मेरे न्यू व्लॉग पर। और अभी का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो सुबह सुबह का टाइम है। चेहरे से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मॉर्निंग शॉर्निंग हो चुकी है और मेरा दिल है मैं कैमरा जो है ना उसको पकड़ा दूं। अभी तक चुप था तोतू मियाँ और अब जैसे मैंने कैमरा पकड़ा था टू 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 और पीछे से म्यूजिक देता है। अब ये समझ लिया मेरा बैक म्यूजिक जो है ना ये मिन्नू है। खैर अभी अभी जो है वो नाश्ता वाश्ता करके हम लोग फारिग हुए थे, चीजें वगैरह मैं समेट रही थी तो बिलाल की तरफ से फरमाइश आई है की पियोगे एक कप चाय। तो की पियोगे एक कप चाय, इन्होंने कह दिया चाय पीनी है। क्या कैसे कैसे कहते हैं मुस्तफा पंजाबी में बोलते हैं कैसे? नहीं नानो बोलती है रबिया चाय पी ली, वो पंजाबी में बोलती है तो मुस्तफा को समझ नहीं आती नानो ने पंजाबी कैसे बोली। कहते चाय पी ली, वो पीली क्या देता है। अभी यहाँ पे मैंने चाय बने रखी, चाय तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है पर मसला हो गया जब मैंने दूध खोला तो दूध का जो ये वाला ढक्कन था ना ये पूरा उतर गया। और अब मुझे मसला हो रहा है कि इसको मैंने फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में मैं कैसे रखूंगी क्योंकि ये छलकता रहेगा गिरता रहेगा और इसको मैं कब से इनसे पूछ रही हूँ क्या करूँ देख लो क्या करूँ देख लो। और मैं खुद भी अकल लड़ा रही हूँ, सोच रही हूँ कोई इसमें ना शॉपर लेके इसके सुराख में डाल के बंद कर दूँ इसको ताकि ये छलके नहीं क्योंकि कब से हिल रहा है। और कुछ ना कुछ थोड़ी देर में मीठा बना लूँ ताकि ये वेस्ट होने से बेहतर है कि मैं इसे कुछ ना कुछ बना लूं क्योंकि फ्रिज में रखा ना फ्रिज पूरा गंदा कर देंगे बच्चे, एकदम दरवाजा ऐसे खोलते हैं तो अच्छा लगता है। खैर अभी मुस्तफा के लिए बड़ा मसला हुआ, हम बाबा को पक्का कर रहे हैं बाबा आज आप जो है ना शूट पर ना जाएं। क्यों कि मुस्तफा का कहाँ जाने को दिल कर रहा है? अरे शूट तो है भी नहीं आपकी, शूट है ही नहीं, मुझे बताते भी तो नहीं आप कहाँ जाने को दिल चाह रहे? सी व्यू। और अभी मुस्तफा ने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, इसका मुंह कितना गंदा गंदा हो रहा है और इसको ना एलर्जी भी हो रही है, पूरी रेडनेस सी हुई है फेस पे। मैंने बना लिया और ये देखे दूध को मैंने कैसे पैक किया है। हम पाकिस्तानियों के पास ना हर चीज का बड़े मजेदार सा जुगाड़ होता है, कोई बात नहीं अगर ढक्कन टूट गया तो हमने उसको वैसे भी ढक्कन लगा दिया है। और ये ले आपकी गर्मा गर्म चाय और चीनी चेक कर लीजिएगा, हिला लीजिएगा। बस अभी अभी इब्राहिम को मैं किसी काम से भेज रही थी, साथ में मैंने सर पर ऑयल करना है, काफी टाइम से मैंने सर पर ऑयल शोयल नहीं लगाया तो ऑयल शोयल लगाते हैं और उसके बाद काम शाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी बच्चे ट्यूशन से आए हैं और मैंने खाना बनाना रखा हुआ था, खाना तो तकरीबन बन चुका है, रोटी बन चुकी है और टाइम जो है वो 5 बज चुके हैं। तो कल का हमारे कुछ स्पेशल प्लान बना हुआ है न्यू ईयर के हवाले से, हम सब बहनों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग करेंगे वन डिश पार्टी और वो अम्मी के घर रखा हुआ है, सब बहनें आएंगी, सब मिलकर जो है ना वो एक एक डिश बना कर लाएगी, अम्मी के घर लाएंगे और मिलकर हम सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। और उसके अलावा बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सोचा हुआ है और वो सब प्लान करेंगे। बस आप लोगों ने आज का व्लॉग भी देखना है और कल का भी देखना है जो न्यू ईयर का होगा। और जो मैंने डिश बनानी है उसके लिए आज मुझे चिकन लेने जाना पड़ेगा और अमरीन की कॉल कह रही है कि तुमने मेरा भी चिकन ले आना और उसने मुझे बताया हुआ है कि क्या क्या करना है। और वो अमरीन जो है न्यू कल के दिन मेरे घर ही आ जाएगी बच्चे भी और वो फिर हम लोग यहाँ से रेडी शेडी होके अम्मी की तरफ जाएंगे तो वो कह रही मैं पहले आ जाऊँगी। मैंने कहा ज़्यादा मज़ा आएगा तुम जब दिन में आ जाओगी ना तो यहाँ से हम लोग रेडी शेडी होके खाने शाने रेडी करके फिर अम्मी की तरफ जाएंगे। तो खैर बड़ा मज़ा आने वाला है न्यू ईयर पर, तो अभी मैं जाऊँगी अम्मी के साथ बाहर मार्केट, जितना सामान है जितनी चीज़ें वो सारी पूरी करनी है अपनी भी और अमरीन की भी। तो खैर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं और कोई डे हो सेलिब्रेशन हो, और वैसे भी कहते हैं ना जब ज़्यादा बहन भाई और शादीशुदा और सारे मिलके इकट्ठे हों तो बहुत मज़ा आता है। खैर न्यू ईयर वाले दिन वाकई बहुत ज़्यादा जो है ना आतिशबाजी होती है, फायर वर्क होता है, जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है। और पिछले साल का न्यू ईयर मुझे याद है, हमने बहुत मज़ा किया, हम लोग कहीं गए थे वहाँ पे सेलिब्रेट किया था, वो व्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख ले, पिछले साल का बहुत मज़ा आया था हमें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, अब मैं लेने लगी हूँ बैग वगैरह और सारा सामान लें, चीज़ें वीज़ें पूरी करें, यहाँ से लाइट करते हैं ऑफ। अरे मैंने चाबियाँ तो ली नहीं, चाबियाँ ये रही, आचो 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 जी। तो बस जा रही हूँ अम्मी की तरफ, सामान उसने मुझे फ़ोन करके कहा था तो वो भी लेना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीज़ें पूरी करते हैं उसके बाद घर आते हैं। तो आप लोगों ने साथ रहना है, व्लॉग को लाजमी लाइक कर देना और कल वाला व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है तो आप लोगों ने लाजमी देखना। ये कौन आया हुए? अम्मी के घर आ चुकी थी, अभी भी मैंने असर की नमाज पढ़ी है और यहाँ पर यास्मीन आई हुई है। लो जी क्या हाल है जी यास्मीन, क्या हाल है जी? हाँ बताओ, डिसाइड हो गया कल क्या ला रही हो? जी हाँ चिकन तंदूरी। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? मुंह बनाया, मुंह बनाना है कल? कल डिश में क्या बनाना है? मुंह मुंह ही बना के बैठ जाएंगे। और तुमने क्या बनाना है? मोंगरे। इसको लाजमी कहीं से ढूंढ के मोंगरे ला के देना, पूरे हफ्ते से मैं सुन रही हूँ इसने मोंगरे खाने हैं। घर पे बना लो, ऐसी स्मेल आती है जैसे बच्चे ने पार्टी की हो।
अम्मी को मैं लेके जा रही हूँ। अम्मी जी मेरे साथ चलें चिकन चिकन लेने। जी तो वॉलेट ले लिया है और यहाँ से शूज पहन ले, जूते जल्दी जल्दी जल्दी, अभी हम जा रहे हैं चिकन लेने। आज ये हुरैरा जो चीज़ खा रहा है मुस्वा से शेयरिंग कर रहा है। मुस्वा देखो उसको, भैया आपको चीजें देता है। बच्चे बंदरों की तरह केले खाते हैं, गिनते नहीं है। बच्चा जितना मर्जी खाए, माशाल्लाह माशाल्लाह खाने वाले होने चाहिए। मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा खाते हैं। इब्राहिम के आगे मैंने रखे हुए दर्जन ही खा लिए। और डॉगी की लड़ाई हो गई है, मरने में टाइम लगेगा। और अम्मी जो यहाँ बैठी हुई थी, थक गए। मैं घर आ गई थी और सारा सामान पूरा कर लिया। और यहाँ पर जो है मैंने चिकन अपना भी ले लिया। और ये इतना ज़्यादा चिकन जो है अम्बीन का है और ये मेरा है। इसे भी मैंने ही वॉश करना है, इसे भी मैंने वॉश करना है। आधा जो है वो टिक्के बनने हैं और आधे जो है वो कोरमा बनना है, कोरमा मसाला साथ में दही। अभी मेरी कुछ चीज़ें रह चुकी हैं और ये अपना यहाँ पर लाइनअप कर रहे हैं, इन्हें मैंने ही तंग करी। और मैं साथ साथ ही अपना ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि ये जो है ना कॉल पे कॉल करते रहेंगे, तो खैर इनको छोड़ें, इनको इग्नोर कर दीजिएगा। और अभी मैं सारी चीज़ों को हिसाब किताब करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो लग रहा है वो मुर्गी धोना। मुर्गी इतनी ज़्यादा है कि मेरा तो आधा दिन मुर्गी धोने में गुजर जाएगा। और अभी मैंने खाने का भी कुछ नहीं बनाया हुआ और कल का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, सारी फैमिली होगी के लिए। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई है। A few moments later. अभी मैंने सिर्फ अमरीन की मुर्गी धोई है। अभी मैंने निकाल ली, पहले मैंने कहा ये सारा काम फारिग करके इसको फ्रीजर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी वाली चिकन को धोकर और कोरमा बाकी का तो कल ही बनेगा। जो मसाला है ना वो मैंने लगाना था क्योंकि अमरीन थोड़ी जो है ना वो शव बंदा है। उन्होंने कहा मेरा काम तू कर ले, तो मैं क्या बचू, कल आप भी मेरे घर आओगे, इतवार है, काम वाली नहीं आएगी, तो आप भी मेरा काम करोगे। खैर मजाक कर रही हूँ। मैंने इसको बोला कोई नहीं हो जाएगा काम, काम करने में वैसे भी हाँ बहुत तेज है, जल्दी जल्दी दो मिनट की बात है। बस ये कि अभी मैंने इसमें दही निकाला है, इसमें नींबू डालने हैं, इसमें ये जो डब्बे शब्बे लेकर आए हैं ना टिक्के मसाले के, निकल आओ निकल आओ निकल आओ भाई निकल आओ। इसको हम खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से आप भी बाहर आ जाओ। ये देखो भाई मेरे काम के मैं एक हाथ से कितनी मास्टर हो चुकी हूँ कि सारे डब्बे शब्बे हम एक हाथ से ही खोलेंगे, एक हाथ से ही हम ब्लॉग बनाएंगे और सारा काम भी करके दिखाएंगे। जाओ खुल जाओ, मेरी बेइज्जती नहीं करा दो, खोल दो, खुल जाओ खुल जाओ। अभी मैं फोंडियाँ मार रही थी एक हाथ की, तो खुल जाओ भाई। पता चले ऐसा खोलूँ आंखों में गया। और जी ये जाएगा इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा बट जल्दी है भाई, जल्दी है, बहुत जल्दी है। अभी मैंने रात का खाना भी बनाना है, इसको भी बीच में डाले, बड़ा तेज मसाला होगा, दो डब्बे डाल रहे हैं, तो ये तो अच्छे खासे तीखे तीखे मज़ेदार से बनेंगे। चलो चलो चलो, अब इसमें नींबू डालते हैं और सिरका डालते हैं। आ जाओ भाई सिरका, आ जाओ आ जाओ, ले सिरका मुख के। अब मुझे अंदर से निकालना पड़ेगा। सिरके की बॉटल निकल आई है। मैंने पिछला व्लॉग का जो क्लिप बनाया है देखा, उसमें तो मेरे बाल उजड़े पुजड़े, मैंने थोड़े बहुत सेट किए हैं। कोई नहीं, काम के दौरान जो है ना आप फैशन नहीं कर सकते ना, क्या करें। आज मैं डकी भाई बनी हूँ, सारी चीज़ें मुँह से खोल रही हूँ। दो मिनट, अब ये नहीं खुल रहा, ये मैं कैंची से खोल रही हूँ। चलिए जी ये खुल गया, अब इसको हम बीच में डालते हैं और मज़े मज़े से इधर आए, वेले हैं तो इधर आए, दो मिनट इधर आए, शहीदों में नाम लिखवा लें ना। आ जाए इसको थोड़ा सा हिला के दिखाएं कैसे करते हैं। ये देखा, आहा, आहा, मेरे किचन में रौनक आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हस्बैंड से काम करवा, जितने तो आप काम हुआ, अभी दो मिनट ये चमचा घुमाएंगे फिर आधे घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही होगा। चले हो गया आपका, हो गया, मेहरबानी आपकी, छोड़ दो थैंक यू। ओ ले चम्मच बीच में, चलो जाओ पुटे काम करने आ गए, चलो वापस जाओ अपना काम करो, अपना काम करो, अब कमरे में से बाहर नहीं निकलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको बीच में हम डालेंगे सारा, अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से हम। टिक्के को मसाला लगाकर मैंने फ्रीजर में लगा दिया है। अब बारी है कोरमे के चिकन की, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और आप लोगों को एक मजे की बात बताऊँ, ये बर्तन भी मेरे इंतजार करें, इनको भी धोना है। अभी खाना बनाना है, तो कमरे में मेरी नजर पड़ी तो मैं डर गई, परेशान हो गई कि ये किस टाइम का सो चुका है। अगर ये इस टाइम सो चुका है तो ये रात में कब सोएगा। और इसको सर्दी नहीं लगती, इसको गर्मी लगती है। इसने ऊपर की भी शर्ट उतार दी है और मैं कंबल दूंगी तो ये कंबल भी उतार देगा। ये ऊपर की भी धो दी है, मैं इसे फ्रीजर लगा देती हूँ और कल इसका कोरमा बनना है। ये भी प्लान बना, बिलाल कह रहे हैं बाहर से कुछ खाने का लेकर आते हैं और साथ में मुझे लेने जाना था टमाटर प्याज लहसुन अदरक तकरीबन सारा मसाला कल के लिए, क्योंकि कल तो ये घर पर नहीं होंगे, सुबह सुबह निकल जाएंगे। और रात में कह रहे थे लेट आऊंगा, मुझे कह रहे रेडी हो, जब मैं बैग पकड़ के रेडी खड़ी हूँ, मुस्तफा भी रेडी खड़ा है और ये सोने नहीं रही, तो मसरूफ हो गए। इन्होंने हमें कोई 5-10 मिनट पहले का रेडी किया हुआ है और अभी भी पता नहीं कितनी देर हम ऐसे ही खड़ा रखेंगे। चले ये इस बेबे को रख दें, इस बेबे को रख दें प्लीज। खैर बस अभी हम जा रहे हैं, सामान वगैरह पूरा करते हैं खाने के लिए। अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि क्या लेकर आना है, बट जा रहे हैं, जो समझ में आया ले आएंगे, सालन में कुछ भी समझ आया तो ले आएंगे। कल तो बहुत मजा आएगा, कल टिक्के होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना, मजा आ जाएगा। ये लड़का मेरा चट्टू है और ये जो है ना फ्रूट लवर है, हमें फ्रूट पार्टी भी रखनी पड़ेगी, है ना, एक दिन हम ऐसा करेंगे फ्रूट पार्टी रखेंगे। मुझे
होती कोई भी नहीं है, तुम खाते कब तुम्हें तो मिर्चे लगते हैं सिर्फ। फ्रूट वन डिश पार्टी, वन फ्रूट पार्टी। हाँ से अभी किलो ले लिए, ये दर्जन ही नहीं है वैसे, अच्छे लग रहे हैं 150 रुपए के 12। हाँ ये हलीम लेने, और अभी ये हलीम लेंगे। चिकन लेनी है बीफ? हाँ चिकन बीफ, बीफ कर लें। यहाँ से लेने लगे हैं चपली कबाब। मेरा सादा। सादा? इसका भाई सादा बनना है। सुबह को यहाँ पे चीज़ दिख गया, कह रहा मुझे चीज़ लेनी है। मुझे क्या लेना है? ये तो सारी बाहर की ईरान की चीज़ें लग रही हैं, चॉकलेट्स हैं और डिफरेंट हैं। मुस्बा के साथ मैंने भी चिज्जी ले ली है ना। मुझे क्या कह रहे हो आपने, क्यों चीज़ ली है? मैं बड़ी हूँ। पर ये लो अच्छा आप चेक करो, मज़े की मेरी चीज़ अच्छी है। फाइनली फाइनली घर आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा सामान मैं एक हाथ से उठा के लाई हूँ, जिसमें पूरी सब्जियाँ मसाले हैं, ये मुस्तफ़ा का फीका कबाब और साथ में मुस्बा की चीज़ें हैं, यहाँ पर चपली कबाब मसाले वाले हैं, कीनू है, रोटी है, और ये हलीम है। तो बस जी जल्दी से खाना खाते, भूख लगी है। टाइम जो है वो 10 से ऊपर हो चुका है और लेट हो चुके हैं आज खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम लोग दस्तरखान लगा के खाना खाते। मैं गरम हलीम, मेरा हाथ जल गया अभी मैंने इसको माइक्रोवेव में ज़्यादा ही गर्म कर दिया, और बच्चों ने तो कबाब ले लिए खाने के लिए। मुस्तफ़ा का ये वाला फीका कबाब जो उन्होंने मुस्तफ़ा को गिफ्ट कर दिया, हमने बोला कि हमें ये कबाब चाहिए मिर्चों वाले, तो मुस्तफ़ा का फीका बनवाया, तो उन्होंने फीका अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया। खैर जजाकल्ला। और यहाँ पर ये जी खाना लग चुका है, साला ने आलू का दिन में रख बनाया था, वो भी मैं निकाल रही हूँ। खाने में हमारे चपली कबाब, हलीम और थोड़ा सा आलू का साला, मैंने कहा वेस्ट ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी बस हम ये खाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये रहा नींबू, नींबू देखते ही मुँह में आगे पानी, जो कि हमने निचोड़ना है इसके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑरेंजेस निकाल रही थी कि मैंने कहा चले जी खाना खा लिया तो साथ साथ ये भी खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था, तो ये खाना खाते ही अंदर आ गए, और वो देखो ना मज़े। सर्दी लगनी थी, बस रजाई लेके लेटना है। ये पकड़िएगा कीनू, ले लो कीनू। इन्होंने तो ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी, और मैंने बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है। जल्दी से ऑरेंज खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, और साथ साथ मैं सोच रही हूँ यहीं से व्लॉग को एंड कर लूँ। और होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और आज के व्लॉग के साथ साथ कल का व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़े का होने वाला है। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करनी है, और मज़ेदार से करनी है, वन डिश पार्टी के साथ सारी फैमिली मिलकर होगी, तो हमें तो बहुत मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। व्लॉग आप लोग जब देखेंगे ना, आप बोलेंगे मज़ा ही आ गया। खैर इसीलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए, और मज़ेदार सा व्लॉग आप इंजॉय कर सकें। और बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना नाम लेती हूँ, बाकी हमसे बर्तन उठाती है, और मैं भी कहती हूँ मैं उठा रही हूँ, और हमारे से उठाती हूँ।